ग्राम दरियापुर और आप प्रगतिशील कृषक हैं मिस्टर विनीत कुमार सिंह। इनका अभी तक हम बहुत सारा गाजर, चुकंदर और मटर और आलू का प्लांट पहले दिखाते रहे हैं आपको। अब एक देखिए, इनका एक नया प्रयोग है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, और शायद अभी तक किसी किसान ने ऐसा प्रयोग नहीं किया हो। विनीत, ये जो गन्ना बो रहे हैं, और ये यहाँ से ये जो ये नाली है और उसके नाली के बीच में कितनी दूरी है? 5 फीट की दूरी है। ये जो मेड़ है आपको जी, इसमें जो सरसों दिख रही है, ये सरसों ये पिछली बार बोई गई ही थी, दोबारा जो गिर गई थी वो अपने आप जमी हुई है। देखिए, इसको निकलवाना है। गन्ना तो आप आज बो रहे हैं, नाली पहले से निकाली गई है, जो एक्चुअल क्रॉप लेने वाले हैं वो कौन सी आप? सर, इसमें भिंडी है। अच्छा, और ये देखिए भिंडी है, और ये सरसों पूरी उखड़ जाएगी। 5 फीट की दूरी पे इन्होंने दो नाली, एक नाली में गन्ने की दो लाइनें हो गई, भिंडी बोई गई है। देखिए, आपने नाली कब खोली? जो 16 जनवरी को। और ये उस समय आपने प्लान किया होगा कि हम भिंडी बोएंगे? भिंडी बोएंगे और उसके साथ कुछ गन्ने की भी प्लानिंग करेंगे, कैसे बोया जाएगा। तो इन्होंने 16 जनवरी को खाली खोल के और भिंडी बो दी। तो जो आपने ये भिंडी बोया है, एक पौधे से ये पौधा जो है जी, ये पौधा और ये पौधा, इसके बीच की दूरी 1 फीट के लगभग है। अच्छा, मेड़ पे लाइने कितनी दे रहे हैं? 2 है। पौधे से पौधे की दूरी ये 1 फीट की है जी। और ये इधर वाली कैसे है? वो 1.5 फीट। ये 1.5 फीट की है। भिंडी का जर्मिनेशन अच्छा हो गया है जी, जी। तो अब 5 फीट पे आप गन्ना ले रहे हो, नाली पहले आपने खोल दिया था। गन्ने की कौन सी प्रजाति है? ये CO 118। CO 118 अर्ली प्रजाति है, और देखिए सिंगल बर्ड से बोई गई है। एक आग का टुकड़ा बोया गया है, एक नाली में गन्ने की दो लाइनें हैं। ये तो आपने इधर बो दिया जी, लेकिन आपने इधर नाली खाली रखी, ये नाली आपने खाली रखी है जी, और ये नाली आपने खाली रखी है। सर, इसका कारण ये है कि देखिए, अब आगे हमको भिंडी तोड़ने में समस्या आएगी। अच्छा, तो अब नाली में मान लीजिए गन्ना अगर बड़ा हो जाता है तो फिर जो है भिंडी तोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसलिए हमने ये नाली छोड़ दी। और दूसरा एक कारण और है, इसमें हम एक फसल और लेने जा रहे हैं। अच्छा जी, एक फसल के हम इसमें 2 फसल लेने जा रहे हैं, एक फूल गोभी और एक पत्ता गोभी। तो अच्छा, आपका कहना है कि हम ये 5 फीट की दूरी पे पहले 2 लाइनें गन्ने की दे रहे हैं जी, उसके बाद हम 2 लाइनें जी, एक ये छोड़ देंगे और एक ये छोड़ देंगे जी, जी। तो करीब करीब आपका गैप हो जाएगा उस गन्ने की नाली से जो उधर बोया गया है, तो करीब वहाँ से यहाँ तक 12-13 फीट का, हाँ करीब 12 फीट का आपका गैप छूट जाएगा जी, जी छूट जाएगा, जैसे वो है आपका जी, जी। और ये देखे यहाँ पे फिर गन्ना आ जाएगा जी, जी। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे फिर गन्ना आ जाएगा, जैसा आपको दिखा रहा हूँ ये गन्ना इस नाली में, यानी 5 फीट पे 2 नालियों में गन्ना जी, फिर करीब 12 फीट का गैप जी, जी। और फिर 2 नालियों में गन्ना की दूरी पे दो नालियों में गन्ना। दूसरी चीज ये है कि उस जो जगह छूटी है उस जगह पे हम दूसरी 2 फसलें और लेंगे, फूल गोभी और पत्ता गोभी गर्मी वाला। यानी आप कह रहे जो हमारा जो अभी आप भिंडी ले रहे हैं जी, जी, तो भिंडी लेने के साथ में आप इसके साथ पत्ता गोभी लेंगे जी, पत्ता गोभी और फूल गोभी जी। तो अब गन्ना उधर हो गया 5 फीट की दूरी जी, पे यहाँ पे आपने जो भिंडी बताया वो लगा है, तो अब बताइए यहाँ पे ये भिंडी भी लगी हुई है जी, 1 फीट पे पौधे से पौधे की जी, जी। और यहाँ से यहाँ की दूरी भिंडी से लाइन की दूरी भिंडी के बीच में 1.5 फीट की है जी, जी। तो अब ये बताइए कि पत्ता गोभी कहाँ पे लगाएंगे? देखिए, उधर तो हमारे गन्ना तो है नहीं, यहाँ पे हमारी गन्ने की जो है 2 लाइनें छूट रही है, तो अब हम इसमें जो है 4 तरफ गन्ना लगा वो गोभी लगा सकते हैं। देखिए, ये जो गन्ने की जो 2 पैरेलल लाइन थी, इन दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर से की साइड में हम यहाँ पे गन्ने की जो है गोभी की, ये जैसे ये भिंडी है और हमारा ये भिंडी है। अच्छा, ये भिंडी का पौधा है, तो इसके और इसके बीच की दूरी के बीच में यहाँ पे, यानी ये किनारे भिंडी के बीच में जो दूरी है एक जी, जी जी, तो उसके बीच में इसके बीच में ये किनारे यहाँ पे गोभी लगेगा। अच्छा, गोभी लगेगा। अब इस गोभी का थोड़ा शुरुआत में पानी की भी जरूरत होगी, तो पानी यहाँ से नीचे से उसको आराम से मिल जाया करेगा साइड में नीचे से, ठीक है। और ये दोनों जब गन्ना है नहीं तो दोनों तरफ से हम गोभी ले सकते हैं, तो दोनों लाइनों में दोनों तरफ, एक तरफ फूल गोभी एक तरफ पत्ता गोभी, तो क्या इधर भी लेंगे जहाँ पे गन्ना भी है? हाँ, उधर भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी गन्ना जो है बढ़ने में कम से कम ये 1-1.5 फीट का होने में कम से कम 2 महीने की समय लगेगा। आप इनको 60 दिन में हमारा फूल तैयार हो जाएगा। अच्छा, तो 60 दिन में कट जाएगा जब तक गन्ना ये 2 फीट का होगा, 1.5 फीट का।
तब तक हमारी गोभी कट के खत्म हो जाएगी। फूल गोभी पत्ता गोभी के, पत्ता गोभी किसी भिंडी नुकसान नहीं करेगी फूल गोभी पत्ता गोभी को? दूरी हम बना के चलेंगे और 60 दिन पे वो पहले टूट जाएगी, 45 दिन पे हमको भिंडी निकलने लगेगी। अच्छा, ये भिंडी जो है करीब 60 दिन में कितनी ऊंचाई ले लेगी? 1.5 फीट की। और जब तक ये भिंडी 1.5 फीट की होगी तब तक आपकी पत्ता गोभी फूल गोभी निकलना शुरू हो जाएगा? हाँ, निकलना शुरू होगा, निकल जाएगा। विनीत जी देखिए, अभी 8 फीट का गन्ना भी बोया आपने देखा होगा जी, तो अब तो मैं कह सकता हूँ आपने 12 फीट का। लेकिन एक चीज है, संशोधन ये है कि ये हमेशा 12 फीट खाली नहीं रहेगा। अभी 2 महीने बाद इसमें हम जो है जो आपका प्रोट्रे में जो गन्ना तैयार हो रहा है पत्ता गोभी काटने के बाद इसमें हम ट्रांसप्लांट करते हैं। देखिए, इन्होंने और नई जानकारी दे दी कि मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या मैं विनीत जी ये कहूँ कि आपने 5 फीट पे गन्ने की 2 लाइनें दिया और मैं मानूँ क्या आप 12 फीट पे गन्ना बो रहे हैं? सर, अभी 12 फीट पे नहीं बो रहे हैं, मतलब फिलहाल अभी बो रहे हैं जब तक हमारी ये सब फसली है इसके अंदर, तो गोभी और पत्ता गोभी। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तो हमारा जो ये सह फसली जो भिंडी ले लेंगे जी, पत्ता गोभी ले लेंगे जी, और इसी के साथ देखिए आपका कहना है कि हम ये अभी तो आपको लग रही है कि ये 12 फीट की दूरी है जी, जी, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस जी, गन्ने की लाइन से जी, और उस वाले गन्ने के किनारे लाइन से जी, जी, तो आपका कहना 12 फीट पे अभी तो है, लेकिन कह रहे हैं कि अभी मैं ये भिंडी ले लूंगा और पत्ता गोभी और फूल गोभी ले लूंगा। हाँ। और उसके बाद देखिए ये यहाँ पे अभी गन्ना लगाने का विकल्प है, बाकी है, बाकी इसलिए है कि आप कह रहे हैं कि हमने पोर्ट्रे में इसी CO0118 प्रजाति का, यानी एक तरफ तो हम इसको बो रहे हैं यहाँ पे जी, मतलब 35-40 दिन में वो पौधे मेरे तैयार हो जाएंगे, तो जितना बड़ा ये गन्ना हो पाएगा उसके बराबर वो गन्ना हो जाएगा, और तब तक हम इसमें जो हमारी भिंडी है, पत्ता गोभी और ये फूल गोभी है जी, जी, फूल गोभी और पत्ता गोभी टूट जाएगा और भिंडी रह जाएगी सिर्फ। हाँ, तो पत्ता गोभी और फूल गोभी ये 60 दिन के अंदर निकाल लेंगे और फिर रह जाएगी भिंडी जी। और आपका कहना है कि तब हम ये जो नाली छोड़ रहे हैं 12 फीट बीच में दूरी, जो 2 नाली छोड़ रहे हैं, इसमें हम वही जो पोर्ट्रे में लगाया हुआ है प्लांट हमारा 45 दिन का हो जाएगा जी, जी, या 40 या 45 दिन का, उसको इसमें शिफ्ट कर देंगे तो 5 फीट की दूरी रह जाएगी जी, जी, तब 5 फीट की रह जाएगी तो, और हम फिर पूरे खेत में बराबर वैसे ही 5 फीट में गन्ना ले पाएंगे। तो ये देखिए पूरा उस समय गन्ना जो आपको 12 फीट अभी छोटा दिख रहा है, वो जब यहाँ पे पौधे रोपित कर देंगे इसी के साथ में जो ट्रे लगाए गए हैं, तो ये 5 फीट की दूरी रह जाएगी जी, जी, तब तक ये पत्ता गोभी और फूल गोभी निकाल लेंगे। यही आप कहना चाहते हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप अपने बता दीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, हमारी पत्ता गोभी और फूल गोभी तैयार हो जाएगी, हम उसको जब निकाल देंगे और निकालने के तुरंत बाद हमारी जो प्रोट्रे में हमारी जो गन्ना तैयार होगा उसको जो है हम ट्रांसप्लांट कर देंगे, और ट्रांसप्लांट करने के बाद वो जो गन्ना इसी के साथ का है प्रोट्रे में लगाया हुआ, तो वो साथ ही में चलेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा दोनों गन्नों में, और 2 फसल हम ले चुके होंगे और गन्ना भी बो देंगे, और 2 फसल तो हमारी रह जाएंगी, भिंडी और गन्ना। और भिंडी जब तक ये गन्ना डिस्टर्ब नहीं करता भिंडी को, तब तक हम भिंडी इसको रखेंगे, और वरना भिंडी खत्म कर देंगे, हमारा गन्ना चलता रहेगा, गन्ना तो रहेगा ही, यानी 12 फीट का जो गैप है वो नहीं रह जाएगा, 5 फीट का ही रह जाएगा, 5 फीट का। और गन्ने का साइज सेम रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि उधर वो गन्ना जम रहा है पोटरे में जी, जी, और इधर ये इधर अंकुरित होगा। हाँ, इधर ये बो दिया गया और वो अंकुरित होकर आप शिफ्ट करेंगे जी, अंकुरित। तो अभी 12 फीट में आप 2 फसल भी ले लेंगे और भिंडी लगी रहेगी, तब भी गन्ना शिफ्ट कर देंगे, तो भिंडी पे कोई असर नहीं, बस आपकी पत्ता गोभी और फूल गोभी निकल जाएगी। हाँ, पत्ता गोभी फूल गोभी। तो आप समझिए कि 2 फसलें आप, मतलब इसमें 4 फसलें होंगी। 4 फसलें कितने दिन में ले लेंगे? 4 फसलें ये हम मान लीजिए 60 दिन में ले लेंगे। 60 दिन में ये 4 फसलें ले लेंगे? हाँ, 60 मतलब 2 फसलें 60 दिन में खत्म हो जाएंगी, और भिंडी जब तक डिस्टर्ब नहीं होती है गन्ने से तब तक मान लीजिए हो सकता है हम 3 या 4 महीने तक ले लें, क्योंकि हमको लगता है ये इसकी जो है गन्ने का जो डिस्टरबेंस है ये जून में शुरू होगा, जून में करीब लगभग 4 महीने लग जाते हैं गन्ने को कलरिंग होने में और उसकी लंबाई 2-2.5 फीट होने में, तो तब तक हम इसकी जो है ले लेंगे। और ये देखिए गन्ना बोया गया है इसमें अच्छी तरीके से, बीज इन्होंने गैप इसलिए नहीं दिया है कि क्योंकि बसंतकालीन की बुआई है और मदर सूट से ज्यादा लेना चाह रहे हैं, मदर सूट ज्यादा लेना चाह रहे हैं, इसमें कोई रिस्क कवर करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि 5 फीट की दूरी दी है जी, जी, बसंत कालीन में अमूमन 5 फीट की दूरी जो है हम लोग सलाह नहीं देते हैं, इसीलिए चूंकि 5 फीट की दूरी हो गई है इसीलिए थोड़ा सीड रेट बढ़ा दिया गया, ताकि हम ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन है
और वो मिल जाए, बीज बहुत स्वस्थ है। तो एक नया प्रयोग मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो अब मैं मानू भी नहीं थी कि इसमें हमको पत्ता गोभी, भिंडी तो आपने दिखा दिया जी जी, पत्ता गोभी और फूल गोभी का दिखाएंगे 15 से 20 दिन बाद, 15 से 20 दिन में हमको इसमें पत्ता गोभी और फूल गोभी दिखने लगेगा। तब आपको जो आप लॉजिक दे रहे हैं कि ये बुवाई की एक नई तकनीक की जमीन का उपयोग कैसे किया जाए, प्लांट पॉपुलेशन हमारी गन्ने की भी मेंटेन रहे, यानी अभी हम 2 महीने तक इसकी दूरी 12 फीट पर रखेंगे जी जी, 60 दिन तक गन्ने की जो है दूरी 12 फीट पर रखेंगे, 12 फीट पर, और उसके बाद जब इसमें पत्ता गोभी फूल गोभी निकल जाएगी तो जो हमारे पौधे तैयार हो रहे हैं इसी गन्ने के साथ में जो कि लगाए जा चुके हैं पोटरे में, ये खाली नालियों में शिफ्ट कर देंगे तो ये 5 फीट की दूरी पर मेंटेन हो जाएगी। और जितना गन्ना अगर वैसे आप सिंगल भी लेते उससे कहीं ज्यादा गन्ना अच्छा होगा, थोड़ा सीड रेट बढ़ाया गया है 5 फीट की दूरी की वजह से, मदर सूट बहुत निकलेंगे। और जब ये प्लाट हम आपको अभी 2-2.5 महीने बाद दिखाएंगे तो आपको काफी और जी जी आश्चर्यजनक अभी लगेगा, प्रयास रहेगा हाँ, और फिर लगेगा। देखिए नाली का इसलिए साफ करना पड़ रहा है क्योंकि ये ट्रेंच जो है 16 जनवरी को खोल दी गई थी जी जी, पानी 2 बार पानी लग चुका है और अब गन्ना लगाया जा रहा, भिंडी का जर्मिनेशन हो चुका है। एक नाली में जो 2 टुकड़ों की लाइनें हैं उसके बीच में 1 फीट से ज्यादा की दूरी रहे, इसलिए कुदाल से थोड़ा किनारे जी जी वो हल्का सा निकाल देगा, थोड़ा भी सेट हो जाएगा और दूरी भी बनी रहेगी क्योंकि ट्रेंच पहले निकाला गया, 2 बार पानी लगा, फिर थोड़ा मिट्टी खिसकी है, टुकड़ा बहुत ढंग से काटा गया है। ये देखिए CO0118 अली गन्ना प्रजाति है और ये आँख जो रखी जा रही है बिल्कुल ऊपर को देख करके सीधी रखी जा रही है। तो ये एक नया प्रयोग है जो मैं आपको आज दिखाया हूँ और इसमें अभी 1-2 महीने में और भी नए प्रयोग देखने को मिलेंगे जी जी। चलिए विनीत जी बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरीके से नए नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए और हमारे कृषकों को नए नए जो आप प्रयोग कर रहे हैं इसमें और रुचि पैदा करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।